भारत माता की जय हो। अपने अंदर एक मात्र भारत मतलब भारत माता के लिए प्रेम प्रेम जागृत कर दिया है, और अब हर हिंदू अगर यदि इस फिल्मों को देख ले तो उसके अंदर एक अपनी भारत माता के लिए एक नया क्रांति और नया तेज, नया ओजस्व और नई अपनी भारत माता की रक्षा के लिए नया स्रोत उत्पन्न होगा। इसलिए हर हिंदू को यह फिल्म देखना चाहिए और अपने देश के लिए लड़ना चाहिए और अपने देश की रक्षा करना चाहिए। सभी का काम, सभी मतलब जितने भी उसमें निर्माता से लेकर के सभी मिथुन चक्रवर्ती इत्यादि जो भी लोग थे, उन सभी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। और फिल्म जो है उस प्रत्येक हिंदू को देखना चाहिए, मेरा निवेदन है। प्रत्येक हिंदू को, भारत में रहने वाले प्रत्येक हिंदू को देखना चाहिए, क्योंकि यदि उसने फिल्म नहीं देखी तो भारत माता की रक्षा के लिए वो अग्रसर नहीं है। और यदि उसको भारत माता की रक्षा करना है, भारत माता के लिए लड़ना है, तो उसको ये फिल्म एक बार जरूर देखना चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी लगी। वाकई में जो हमारे हिंदू भाइयों ने जो अत्याचार सहे कश्मीर में, वो बहुत ज़्यादा जिसको बोलना चाहिए कि देख के रोंगटे खड़े हो गए। हमने सिर्फ देखने में हो गए तो उन्होंने सहने में उनके कितनी हालत खराब हुई होगी ये समझने वाली। फिल्म में आपको किस लेवल तक की रियलिस्टिक लगी मूवी, मतलब किस हद तक आपको सच्चाई से जोड़ पाई फिल्म? बहुत ज़्यादा सच्चाई से जोड़ पाई है कि फिल्म में तो फिर भी उन्होंने कम बताया, उससे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इससे भी ज़्यादा कुछ सच्चाई होगी कि जिसमें उनकी कुछ मर्या तो होगी, उनकी कुछ हो गया कि उन्होंने कम बताया, इससे भी ज़्यादा हमारे हिंदू भाइयों ने और हमारी बहनों ने सहा है। इसके लिए बधाई के पात्र निर्माता और डायरेक्टर की, जिन्होंने अपने अपने आप में दिल खोल कर वाली फिल्म बनाई, निडर होकर। वाकई में ऐसी फिल्में बनना चाहिए ताकि हम हिंदुओं की आंखें खुल सकें। फिल्में बनना चाहिए, वाकई में बनना चाहिए। और हर निर्माता को, डायरेक्टर को, जैसे सिर्फ हमें ये बताया जाता है कि सिर्फ मुसलमानों ने क्या करा है और क्या नहीं करा है कि उनका सिर्फ पता, मगर आज जो हमारे हिंदू भाइयों ने, कश्मीर पंडितों ने करा, उनका सच नहीं बताया जाता। और आजकल की युवा पीढ़ी को जरूरी है ये वाला सच बताना। बहुत अच्छी फिल्में बताइए, बधाई के पात्र है डायरेक्टर और निर्माता। हम 10 में से कितने स्टार देंगे आपको? मेरे को 10 में से 11 देना चाहिए। इतनी अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। सभी का काम अच्छा था, बढ़िया। भैया कैसी लगी फिल्म? बहुत बढ़िया, बढ़िया लगी। कैसा लगा सबका काम? एक नंबर लगी। अच्छा लगा भाई। कैसा लगा? यही चाहेंगे कि सनातन धर्म के प्रति ऐसी पिक्चरें और बनती रहे और उसकी सच्चाई खुल के सामने आए। और यहाँ पर जैसे बहुत सारे जेचन भी रहते हैं, हमारे हिंदुओं के बीच में जेचन भी बसे हुए हैं। ऐसा जेचन कैसे है कि रह रहे यहाँ पे हैं लेकिन बड़ा भाई किसी और देश की करते हैं, ठीक है? तो ऐसा उनको सबक सिखाने के लिए अपनी मोदी सरकार आ रही है। धीरे धीरे सब अच्छे से हो जाएगा और सब निपट जाएगा। जो भी देश जेचन जो भी है ये सब खत्म होते जाएंगे धीरे धीरे। बाकी तो सब हिंदुओं से यही आगमन है कि जागो, आज का नहीं कल का देखो, कल क्या होने वाला है। जो कश्मीर में हुआ है वो हर जगह भी हो सकता है, इसलिए अपन बोलते हैं कि जो सो रहे हैं वो जागिए। बस हिंदू धर्म से हमारा ये छोटी सी और सूचना है। 13 तारीख रविवार के दिन संविधान सम्मान यात्रा चिमन बाग से महू तक रखी गई है। सभी हिंदू समाज से आवेदन है वहाँ पर आए और उस यात्रा को सफल बनाए। जय श्री राम। जय श्री राम। मूवी बनाई है और सभी को देखना चाहिए। हिंदुत्व जागरण का काम है और बेसिकली जो सच हुआ है वो, जो इसके पहले एक शिकारा मूवी आई थी जो विदुन चोपड़ा ने, वो सिर्फ एक लव स्टोरी का एंगल था। ये एंगल जो है बहुत अलग एक पैमाने में दिखाया है। सब लोग मतलब शांति के साथ निकले हैं, सब बहुत आंखें नम होते हुए निकले सभी लोग। सर कितना जोड़ पाई आम लोगों से ये फिल्म? कितना जोड़ पाई आम लोगों से ये फिल्म? पूरी आम लोगों को जोड़ पाई है। इसमें जो वाक्य हुआ था पूरा बताया गया है, सिर्फ नैरेटिव कुछ भी नहीं है इनकी तरफ से, जो भी है दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया, बाद में आपके ऊपर छोड़ दिया है सोचने के लिए कि आप सब देख लो, अब सच और गलत का फैसला आपको करना है। क्या लगता है सर फिल्म कितना कलेक्शन कर पाएगी? कलेक्शन तो काफ़ी करेगी क्योंकि लोग बहुत जागरूक हो गए हैं अब, और इस स्टोरी को इस तरह से 30 साल बाद मतलब पहली फिल्म है जो इस चीज़ को कवर किया है। बहुत बढ़िया। कैसी लगी फिल्म? जो भी बताया है एकदम स्पष्ट बताया है, क्योंकि ये जो हमने देखा है ये 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे पे भी देखा है, और ये जो पलायन की जो इनका पूरा एक स्ट्रेटेजी है, हम केराना में भी देखते हैं और आए दिन देखते हैं कि हमारे रतलाम भी बच गया कि वहाँ भी पलायन हो सकता था। और अगर मैं तो खुल के बोलता हूँ कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव के बाद में हुआ है वो भी ऐसा ही हश्र होता अगर मोदी जी की सरकार नहीं होती। साथ में ये भी बोलता हूँ कि 2022 में अगर यूपी का इलेक्शन भी नहीं जीतते तो वहाँ भी हमें यही सब देखने को मिल सकता था। और ये जो चीज़ें हैं ये मतलब हमको बताती है कि जो इस्लामिक आतंकवाद है उसका क्या
कुकृत्य है और क्या उसका दूसरा चेहरा है। और जब मतलब मैं बोलूँगा सब हिंदुओं को बोलूँगा कि इनको अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि मोपला से लेके डायरेक्ट एक्शन जैसे लेके कश्मीर से लेके बंगाल से लेके केरल में भी ये सिस्टम है, ये एक साइकिल है, हमेशा चला आ रहा है और इसको जागरूक होने की सख्त ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि हर हिंदू इसको देखे, फिल्म बहुत अच्छी है, जागरूक कर रही है, जन जागरण कर रही है, और 10 में से 100 स्टार अगर मिल सकते थे तो मैं वो देता। धन्यवाद। थैंक यू सर। कैसी लगी फिल्म? एक्चुअली फिल्म नहीं है, कड़ी हुई सच्चाई है, और इसको वास्तव में आपको जीना है, अपना अस्तित्व बचाना है तो देखना चाहिए इसको। मनोरंजन की दृष्टि से ना देखें, इंफोटेनमेंट की दृष्टि से देखें, ज़रूर देखें, ज़रूर देखें। सर कैसी लगी फिल्म? इट्स अ वेरी नाइस मूवी, नो डाउट। इससे बहुत सारी चीज़ें हम लोग जिससे अभी तक अनभिज्ञ थे, हम लोग को पता नहीं थी इस मूवी के अंदर उस चीज़ को दिखाया गया है। और इनफैक्ट ये है कि सच्चाई से वाकिफ होना बहुत मुश्किल होता है, और ये सच्चाई इस तरह की मूवी को जाके एक स्क्रीन पे लाना, मैं उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बहुत बहुत थैंक्स कहता हूँ और हेड्सअप करता हूँ उनका कि उन्होंने इस चीज़ को दिखाने की हिम्मत करी। और इंडिया में जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी निश्चित रूप से अपना एक प्रभाव छोड़ेगी और लोगों को पता चलेगा कि इसकी हकीकत क्या है, जो हमारे इंडियन के साथ किया, जो पंडितों के साथ कश्मीर में किया गया था। और वेरी वेरी थैंक्स टू यू। जो हम कल कश्मीर का देख रहे हैं, ये भविष्य का भारत होगा यदि ऐसे ही इस्लामिस्ट बढ़ते रहे, इस्लाम बढ़ता रहा। ये जहाँ बहुसंख्यक होंगे वहाँ हिंदुओं को मारेंगे, ये कटु सत्य है और ये हर हिंदू को देखना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और भविष्य के प्रति। कैसी लगी फिल्म? बहुत बढ़िया लगी है। पहली बार ऐसी फिल्म देखी है कि बहुत मजा आ गया। भारतीयों को इस फिल्म से सब सीखना चाहिए कि आगे अपने को किस तरीके से रहना और क्या करना चाहिए। इस देशद्रोहियों के साथ उनको बख्शना नहीं चाहिए। कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी लगी है। जो 1990 में हुआ था, कश्मीर पंडितों को भगाया था, वो सब इसमें सच्चाई बताई है पूरी तरह से। हम जो युवा पीढ़ी है, आप उसको रिकमेंड करेंगे कि उन्हें भी ये मूवी देखना चाहिए? बिल्कुल, हम अपने सभी बच्चों को दिखाएंगे और हमें भी हकीकत मालूम पड़ी कि कश्मीरी पंडितों के संग कितना अत्याचार हुआ। इतिहास में दिखाया गया पूरा गलत दिखाया गया। पिक्चर को रोका इसलिए गया था ताकि मुस्लिम लोग हम लोगों को हिंदुओं को देखने को नहीं मिले और हमारी युवा पीढ़ी इस बात को जानकारी ले कि ऐसा होता है अत्याचार, किस तरीके से बताया गया। बड़ा दुख हुआ है हमें। और हमारी अंधी वेरी सरकार थी कांग्रेस की, जो गूंगी बेरी अंधी सब कुछ विकलांग बोल सकते हैं हर तरफ से, वो नीच सरकार ने इन लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं करी। उसने सच्चाई को पूरी तरह छुपा के रखा और उनका अंत कितना बुरा हुआ। माँ भी किसी मरी, खून के कतरे कतरे, और बेटा भी कतरे कतरे होकर बिखरा। वो उन कश्मीरी पंडितों की बद्दुआएं उनको लगी। बहुत दुख हो रहा है हमें कि हमारे देश में रहकर भी इस तरीके का अंधकार और अत्याचार हो रहा है, और हमारी सरकारें हैं कितनी नीच सरकार बोल सकते हैं कांग्रेस की सरकार को। और पूरा परिवार खत्म हो चुका है, एक वो पागल बेटा बचा है बस उसका। जिसको बोल